नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत में। आप सभी को पता ही है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत है, और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको हर पोर्टल के हर न्यू अपडेट से अवगत देते रहता हूं, उसी के तहत दोस्तों आज हम प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से रिलेटेड न्यू अपडेट देखने जा रहे हैं। तो जी हां दोस्तों, अब प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का भी मनरेगा स्कीम के तहत होने वाला सोशल ऑडिट अब जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी होगा। जी हाँ दोस्तों, अभी तक जैसे आपने देखा था कि मनरेगा योजना मनरेगा स्कीम में ही सोशल ऑडिट होता था, अब प्रधानमंत्री आवास योजना का भी सोशल ऑडिट होगा। तो पूरी प्रोसेस क्या होगी, क्या लेटर है दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट का, भारत सरकार का क्या लेटर आया है पूरा, वो मैं पूरा दिखाने जा रहा हूं। और ये दोस्तों वीडियो जो है प्रत्येक स्टेट के लिए, क्योंकि अब प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का जो ऑडिट होगा सोशल ऑडिट, वो प्रत्येक स्टेट का होगा, ठीक है दोस्तों। और इसमें मैं ये भी दिखाने जा रहा हूँ कि मार्च 2024 तक सभी पात्र हितग्राहियों को जो है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लाभ प्राप्त हो जाएगा। तो पूरा वीडियो दोस्तों आप स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखिएगा। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत में। आप सभी को पता ही है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत है, और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और हर पोर्टल के न्यू अपडेट से अवगत देते रहता हूँ, उसी के तहत दोस्तों आज हम प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण संबंधी एक न्यू अपडेट देखेंगे। अब दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, जैसा कि आपको पता ही है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सेक 2011 जो जनगणना 2011 हुई थी उसके बेस पे सभी को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लाभ दिया गया। उसके बाद आवास प्लस ऐप से जो शेष रह गए तो उनके नाम जोड़े गए। तो इसी तहत दोस्तों सभी को आवास प्राथमिकता क्रम में दिए जा रहे हैं। तो अब मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण आज जो अपडेट देने जा रहा हूँ वो ये है दोस्तों कि अब प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का भी मनरेगा पोर्टल के तहत ही, जिस तरह से मनरेगा योजना में जो सोशल ऑडिट होता है वैसे ही सेम प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का भी अब सोशल ऑडिट होगा। तो जी हाँ दोस्तों, ये एक न्यू अपडेट है। जैसा मनरेगा में सोशल ऑडिट होता है वैसे ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में भी अब सोशल ऑडिट होगा। तो दोस्तों वो क्या प्रक्रिया होगी, किस तरह से होगा, प्रत्येक राज्य के लिए वीडियो है दोस्तों, क्योंकि मैं इसका पूरा भारत सरकार का जो पत्र क्रमांक है वो पूरा आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो ध्यान से देखिएगा, इंग्लिश में भी दिखा रहा हूँ लैंग्वेजेस में, और उसी का हिंदी ट्रांसलेशन भी आपको कर दिखाऊंगा, इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों उप महानिदेशक ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण विकास विभाग भारत सरकार द्वारा कृषि भवन नई दिल्ली द्वारा आदेश निकाला जा चुका है। डायरेक्टर जनरल मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कृषि भवन न्यू दिल्ली डीओ नंबर ये दिया हुआ, आप देख सकते हैं डेटेड 30 अगस्त 2022, मतलब 30 अगस्त 2022 को ही दोस्तों ये आदेश निकला है। डियर मैडम सर, एज यू आर अवेयर दैट द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इज इम्प्लीमेंटिंग द प्रधानमंत्री आवास योजना PMAYG विच एम्स एट प्रोवाइडिंग ए पक्का हाउस विथ बेसिक एमिनिटीज टू ऑल हाउसलेस हाउस होल्ड्स एंड दोज हाउस होल्ड्स लिविंग इन कच्चा एंड डिलिपिडेटेड हाउसेज बाय मार्च 2024। दोस्तों एक न्यू अपडेट और है कि मार्च 2024 के पहले सभी लोगों को जो है पक्का हाउस प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ सभी पात्र लोगों को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये एक न्यू अपडेट और है सोशल ऑडिट की, तो मैं बता ही रहा हूँ। एक न्यू अपडेट और है कि जो पूरा लक्ष्य है मार्च 2022 के पहले सभी पात्र हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ प्राप्त हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो जैसा कि आप जानते हैं, एज यू अवेयर, जैसा कि आप जानते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जो योजना चलाई जा रही है प्रत्येक व्यक्ति को पक्का हाउस देने के लिए, जो बेसिक सुविधाओं के साथ हो, जो कुछ यदि कुछ लोग जो बिल्कुल हाउस लेस हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं है, हाउस है घर नहीं है, कुछ के पास घर हैं, ऐसे लोग जिनके पास कच्चा घर है उनको देने के लिए जो योजना चलाई जा रही है, तो उसको पूरा करना है मार्च 2024 के पहले। द PMAYG प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण प्रोग्राम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड एंड मॉनिटर्ड थ्रू एंड टू एंड ई गवर्नेंस सॉल्यूशंस कॉल्ड आवास सॉफ्ट एंड आवास सेव। जैसा कि आप ये भी जानते हैं कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जो प्रोग्राम पूरा चल रहा है, सबको जो हाउस घर दिए जा रहे हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग उसकी हो रही है किसके कौन से सॉफ्टवेयर के द्वारा, आवास सॉफ्ट और आवास ऐप के द्वारा। आप सभी को पता ही आवास सॉफ्ट और आवास ऐप के बारे में, तो एंड टू एंड ई गवर्नेंस सॉल्यूशन कॉल्ड आवास सॉफ्ट एंड आवास ऐप।
However, फिर भी implementation of the program is monitored not only electronically but also through community participation like social audit, exercise at the gram panchayat and block levels within the state's UTs. तो यहाँ कहा जा रहा है कि फिर भी जो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है पूरे ऑफ द प्रोग्राम, पूरे प्रोग्राम का जो प्रधानमंत्री आवास योजना का, तो वो हम चाह रहे हैं कि मॉनिटर जो हो रहा है नॉट ओनली इलेक्ट्रॉनिकली, मतलब केवल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे मोबाइल डिवाइस और मोबाइल ऐप जैसे आवास सॉफ्ट आवास ऐप है ना, केवल इनके द्वारा ही ना किया जाकर भौतिक रूप से भी हो, बट ऑल्सो तो कम्युनिटी पार्टिसिपेंट, सभी का जो कम्युनिटी है उनका पार्टिसिपेशन हो, लाइक सोशल ऑडिट, जैसे सोशल आईडी के जरिए पूरा देखा जाए कि पक्का हाउस भौतिक रूप से वहां बना है या नहीं और क्या क्या सुविधाएं हैं, पूरी सब चीजें देखी जाएं, एक्सरसाइज एट द ग्राम पंचायत लेवल पर और ब्लॉक लेवल पर है ना, सभी प्रत्येक जो स्टेट्स और यूटीज हैं सभी के लिए, ठीक है। अब दोस्तों दूसरा पॉइंट हम देखेंगे, एज वी ऑल नो दैट महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसको हम MGNREGA बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में हिंदी में मनरेगा भी बोलते हैं, मैंडेट्स कंडक्टिंग ऑफ सोशल ऑडिट्स इन ईच ग्राम पंचायत एटलीस्ट वंस एवरी सिक्स मंथ्स एंड सोशल ऑडिट यूनिट इन द स्टेट्स यूटीज आर एग्जीक्यूटिंग द सेम, ठीक है। तो ये बता रहे हैं जैसा कि महात्मा गांधी जो मनरेगा पोर्टल है, मनरेगा योजना जो है, मनरेगा स्कीम है, उसमें मैंडेटरी कंडक्टिंग हो रही है सोशल ऑडिट, आप सभी के यहाँ हो ही रही होगी, प्रत्येक स्टेट में हो ही रही है, हमारे यहाँ भी सभी के यहाँ सोशल ऑडिट किया जा रहा है प्रत्येक ग्राम पंचायत में 6 मंथ के अंतराल से, है ना, 6-6 मंथ से 6-6 महीने के अंतराल से होता ही है, तो ग्राम पंचायत एटलीस्ट वंस एवरी सिक्स मंथ एंड सोशल ऑडिट यूनिट, जो भी लोग पूरे हैं सोशल ऑडिट यूनिट जिनको शॉर्ट फॉर्म में SAU बोल रहे हैं, इन द स्टेट सिटीज और एग्जीक्यूटिंग द सेम, वो पूरा इसको जो है एग्जीक्यूट कर रहे हैं ऑन सिमिलर लाइंस, केवल इसी के बेसिस पर, सिमिलर बेसिस पर प्रोविजंस ऑफ सोशल ऑडिट आर आल्सो वेरी वेल डिफाइंड विद इन द प्रोविजंस ऑफ फ्रेमवर्क फॉर इंप्लीमेंटेशन FFI ऑफ PMAYG प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, विच इन्वॉल्व्स पब्लिक विजिलेंस एंड ड्यू वेरिफिकेशन ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम, ठीक है। तो इसी तरह दोस्तों जो है सोशल ऑडिट अब किया जाएगा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का पूरे सही सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए, पब्लिक विजिलेंस एंड ड्यू वेरिफिकेशन ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम, ठीक है, स्कीम के इंप्लीमेंटेशन के लिए, उसके वेरिफिकेशन करने के लिए, फर्दर एज पर द प्रोविजंस ऑफ द सोशल ऑडिट गाइडलाइंस ऑफ PMAYG इट इज मैंडेट दैट सोशल ऑडिट इज टू बी कंडक्टेड इन एवरी ग्राम पंचायत एटलीस्ट वन इन ए ईयर, ठीक है। तो ये बता रहे हैं कि जैसा प्रोविजन है सोशल ऑडिट गाइडलाइंस का प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की, तो साल में एक बार जो है सोशल ऑडिट होना ही है, इट इज मैंडेट मतलब होना ही, इट इज मैंडेट दैट सोशल ऑडिट इज टू बी कंडक्टेड इन एवरी ग्राम पंचायत, प्रत्येक ग्राम पंचायत में एटलीस्ट वंस इन अ ईयर, इन्वॉल्विंग अ मैंडेटरी रिव्यू ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द स्कीम, क्या क्या रहेंगे इसमें इन्वॉल्व, सभी चीजें की जाएंगी जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत जरूरी है, प्रत्येक चीजें जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना गाइडलाइन के तहत है, उन सभी की जांच इस सोशल ऑडिट के जरिए की जाएगी, ठीक है। इसलिए लिखा है कि एटलीस्ट वंस इन ए ईयर इन्वॉल्विंग मैंडेटरी रिव्यू ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द स्कीम, कंसिडरिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल ऑडिट एक्सरसाइज विथ इन अ स्कीम एंड विथ अ व्यू ऑफ इंश्योरिंग कम्युनिटी पार्टिसिपेशन टू मॉनिटर द PMAYG प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण स्कीम एट द ग्रास रूट लेवल, इट हैज बीन डिसाइडेड दैट सोशल ऑडिटिंग ऑफ PMAYG वुड ऑल्सो बी डन बाय द SAU सोशल ऑडिट यूनिट ऑफ मनरेगा, जो सोशल ऑडिट यूनिट मनरेगा के लोग जो कर रहे हैं, जैसे मनरेगा में जो सोशल ऑडिट कर रहे हैं, उन्हीं से सेम प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का भी सोशल ऑडिट कराया जाए, तो वही यहाँ दिया हुआ है एज पर द गाइडलाइंस ऑफ द स्कीम। बिल्कुल ध्यान से फिर से मैं आपको बता देता हूं कि कंसीडरिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल ऑडिट एक्सरसाइज, है ना, जैसा इंपॉर्टेंस समझी जा रही है, महत्ता समझी जा रही है सोशल ऑडिट की, विथ इन ए स्कीम एंड विथ ए व्यू ऑफ इंश्योरिंग कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, और ये देखने के लिए कि सभी लोगों का उसमें जो है पार्टिसिपेशन है ना, उसमें जो है भागीदारी है, और टू मॉनिटर द PMAYG स्कीम, मॉनिटर जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण स्कीम की को मॉनिटर करने के लिए एट द ग्रास रूट लेवल, है ना, बिल्कुल नीचे जड़ लेवल पर, नीचे लेवल पर बिल्कुल, इट हैज बीन डिसाइडेड, ये डिसाइड किया गया है दैट सोशल ऑडिटिंग ऑफ PMAYG जो सोशल ऑडिट है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का, वुड ऑल्सो बी डन बाय द SAU सोशल ऑडिट यूनिट, ये
आल्सो वुड आल्सो बी डन बाय द एसएयू ऑफ मनरेगा, जो मनरेगा के लोग कर रहे हैं सोशल ऑडिट यूनिट के, वही इसका भी सोशल ऑडिट करेंगे एज पर द गाइडलाइंस ऑफ द स्कीम। द एडिशनल एक्सपेंडिचर, यदि और कुछ खर्च होता है तो इफ एनी वुड बी मेड फ्रॉम द एडमिन, एडमिन से जो मिलता है कॉस्ट ऑफ द प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इसके लिए कोई सा अलग एक्सपेंडिचर फंड मिलता है तो उसके बारे में बाद में सूचित कर दिया जाएगा। I would also like to inform that a module for data entry of social audit activities and findings has been made available on Awas Soft for its use। तो दोस्तों जो Awas Soft ऐप है और जो पोर्टल है हमारा प्रधानमंत्री आवास योजना का, इसमें जो है सोशल ऑडिट के लिए एक ऑप्शन भी नया जुड़ जाएगा, जिसमें पूरी सोशल ऑडिट की एक्टिविटीज सभी चीज़ें हम ऑनलाइन कर सकेंगे और देख भी सकेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है आई वुड ऑल्सो लाइक टू इन्फॉर्म दैट ए मॉड्यूल फॉर डाटा एंट्री ऑफ सोशल ऑडिट एक्टिविटीज एंड फाइंडिंग्स हैज़ बीन मेड अवेलेबल ऑन आवास सॉफ्ट फॉर इट्स यूज। आई वुड फोर्थ नंबर का है, आई वुड देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू काइंडली लुक इनटू द मैटर। मैं आपसे पर्सनली ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो आप इस मैटर पर पर्सनली अपना फोकस रखें एंड टू इश्यू सूटेबल डायरेक्शन एंड जो सही जो मार्ग दिशा निर्देश रहते हैं वो सभी को इश्यू करें, इश्यू सूटेबल डायरेक्शन टू द ऑफिशियल्स कंसर्न इन द फील्ड टू मैंडेटरी कंडक्ट सोशल ऑडिट एक्सरसाइज एनुअली साल में एक बार इन ऑल ग्राम पंचायत विथ इन द स्टेट यूटी। ठीक है, तो आई वुड देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू काइंडली लुक इनटू द मैटर पर्सनली एंड टू इश्यू सुटेबल डायरेक्शन टू द ऑफिशियल्स कंसर्न इन द फील्ड टू मैंडेटरी कंडक्ट सोशल ऑडिट एक्सरसाइज एनुअली इन ऑल ग्राम पंचायत विद इन द स्टेट यूटी ड्यूरिंग द करेंट फाइनेंशियल ईयर एंड इन फ्यूचर टू। मतलब इस जो करेंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है इसमें भी करना है और आगे भी इसी तरह से सोशल ऑडिट करना है। आई वुड ऑल्सो रिक्वेस्ट यू टू टेक करेक्टिव मेजर्स ऑन द फाइंडिंग्स ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द सोशल ऑडिट एंड फर्निश एक्शन टेकन रिपोर्ट ATR, जिसको बोलेंगे एक्शन टेकन रिपोर्ट ATR रेगुलरली टू दिस मिनिस्ट्री। ठीक है, तो आई वुड ऑल्सो रिक्वेस्ट यू टू टेक करेक्टिव मेजर्स, सही तरीके से पूरा इसका पर ध्यान दिया जाए, पूरा देखा जाए, माफ किया जाए, जो भी चीज़ें खोजी जाती हैं इस रिपोर्ट में देखी जाती हैं सोशल ऑडिट के, और आगे उस तरह से उसी को जो है एक्शन लिया जाए, एक्शन टेकन रिपोर्ट पूरी तैयार किया जाए रेगुलरली टू दिस मिनिस्ट्री, इस पूरे मंत्रालय के लिए। ठीक है, विद वार्म रिगार्ड्स यू आर सिंसियरली द एडिशनल चीफ सेक्रेटरी प्रिंसिपल सेक्रेटरी सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज डीलिंग विद PMAYG ऑफ ऑल स्टेट्स यूटीज। तो दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आज मैंने आपको दिखाया कि जिस तरह से मनरेगा योजना के अंतर्गत सोशल ऑडिट साल में दो बार किए जाते हैं, हर सिक्स मंथ में एक बार ग्राम पंचायत में किए जाते हैं, मतलब एक ग्राम पंचायत में दो बार होते हैं आज सोशल ऑडिट, उसी तरह एक साल में एक बार प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का भी अब सोशल ऑडिट होगा। ठीक है, पूरी गाइडलाइन और भी जो विस्तृत गाइडलाइन आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा। आज मैंने आपको पूरा लेटर दिखाया जो भारत सरकार द्वारा ही निकला है और दोनों लैंग्वेजेस में आपको बताया, इंग्लिश लैंग्वेजेस में भी और हिंदी में भी ट्रांसलेशन करके दिखाया। तो दोस्तों इसी तरह हर न्यू अपडेट से अवगत होने के लिए आप मेरे साथ बने जुड़ रही है, आपको पता ही है मेरे यूट्यूब चैनल ऑल इन पंचायत है, और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। तो और दोस्तों यदि आप स्वेच्छा से कॉन्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन और सुपर थैंक्स के जरिए कर सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।